हाँ जी, किसका हो गया? नहीं हुआ, चलो चेक करते हैं क्या हो जाएगा बेटा। ये 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 इंटू, इसको करो एक्सपैंड, कैसे करोगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल, यहां तक क्लियर? इसको एक्सपैंड करो, 6 इंटू क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस ब्रैकेट r माइनस 1। पहले तो ये चेक करना, ये गलती तो नहीं करी इसे? ब्रैकेट ना, ऊपर ब्रैकेट ना लगाओ। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे ओपन कर दो, क्या बन जाएगा? 6 माइनस r। यहां तक क्लियर हो गया? ओके सर, कौन सा एक्सपैंड करके काट सकते हैं चेक करो। तो सर इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल को, उसे या तो ये 5 फैक्टोरियल बना दो, ये इसे एक्सपैंड कर दो, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा एक काम करते, एक्सपैंड कर देते हम, क्या? नो बेटा, 5 इंटू 4 को ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ 5 फैक्टोरियल लिख सकते, क्योंकि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या बनता है? 5 फैक्टोरियल। तो यार ऐसे कर लो, और 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r फैक्टोरियल। फायदा, 5 से 5 कटा, 4 से 4 कट गया। यहाँ तक क्लियर? डाउट है पूछो। हो गया, हो गया। ओके नाउ अभी सवाल आता है इस पे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है? 6 माइनस r, आर यू श्योर? आर यू श्योर 6 माइनस r ही बड़ा है? आपकी तो सिंगल वैल्यू होगी सर, कैसे मतलब लगाऊं? सिंपल है, r की जगह क्या कर लो, एक नंबर एज्यूम कर लो। क्या नंबर लेते हो? 2। ओके 2 बोला है, तो ये कितना बना? और ये 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो बड़ा क्या हुआ? पॉइंट क्लियर है? तो किसे एक्सपेंड करूंगा? यहाँ 1 अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल 6 अपॉन, इसे कैसे लिखूंगा बेटा? पहला हो जाएगा 6 माइनस r, अगला क्या होगा? माइनस वन करो 5 माइनस r। ये किसको समझ में नहीं आई? देखो बेटा, 6 माइनस r होल फैक्टोरियल को एक्सपैंड करना है ना, पहला क्या होता है? 6 माइनस r, अगले में -1, अगले में कितना होगा फिर? -2, तो कितना बन रहा है? 6 माइनस r फैक्टोरियल रह गया, कितना हो गया? 5 माइनस r, अगला 4 माइनस r, क्लियर? 6 अपॉन में 6 माइनस r, 5 माइनस r, 4 माइनस r फैक्टोरियल, क्लियर है? ये कट गया, इसे यहाँ भेज दो, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई 6 माइनस r, 5 माइनस r। एक्सपेंड करना आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, r² - 11r + 30 = 6। इधर करो, r² - 11r + 24, फैक्टर्स कर दो, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसके, r - 8 r - 3। तो r की वैल्यू क्या है? 8, r की वैल्यू 3। यहीं तक आंसर, ये निकाला सर। एक बात सुन ले, एरर है बुक के अंदर। मैंने आपको एक चीज बोली, r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात याद है? यहाँ 8 4 से बड़ा आ रहा है। बात दोबारा सीखो, NPR फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, R हमेशा क्या होता है? N के या तो बराबर होगा या N से छोटा, यानी बड़ा नहीं हो सकता किसी भी हाल में। तो यहां R 8 क्या आ रहा है? 4 से बड़ा आ रहा है, यस और नो? बिकॉज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, इसका मतलब n जो होगा r या r से बड़ा होगा। देयरफॉर r इज इक्वल टू 8 इज रिजेक्टेड। r की वैल्यू क्या आएगी? कितनों को ये क्लियर नहीं है? कितनों क्लियर है?
ठीक है। बच्चा कहता, एक मिनट में बच्चा कहता कि सर आर अगर फोर से बड़ा नहीं हो सकता तो आर माइनस वन फाइव से बड़ा, मेरे को ऑब्वियसली वो भी नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर, चलो आगे। ओके अगला हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 अटेम्प्ट करोगे? करो अटेम्प्ट। कर भी लियो, बाकी सब सिर्फ शक्ल देख रहे। ट्राई कुछ तो ट्राई कर, क्या मैं ऐसे क्या बुक नहीं है? नहीं बुक क्या है? हाँ बुक का है, आप बस बहाने